लापरवाह टिड्डा। जंगल में एक टिड्डा रहता था। वह बहुत लापरवाह था। एक दिन वह घास पर उछल कूद कर रहा था। उसी समय उसे चींटियों का एक समूह दिखाई दिया। चींटियां अपने गड्ढे के अंदर खाने के भंडारण में जुटी हुई थी। टिड्डा उनके पास जाकर उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहता है, तुम लोग फालतू की मेहनत कर रहे हो, मेरी तरह आजाद जीना सीखो। चींटियों ने टिड्डे की बात को नजरअंदाज करके अपना काम करना जरूरी समझा। थोड़ी देर बाद वह वहां से चला गया। कुछ दिन गुजरते ही बारिश का मौसम शुरू हुआ। टिड्डा खाने की तलाश में उछलते कूदते फिर से चींटियों के करीब पहुंचा। चींटियां बड़े आराम से अपने घर के अंदर खाने का मजा ले रही थी, लेकिन टिड्डा बारिश से परेशान था। तभी एक चींटी ने उसे अपने घर के अंदर आने को कहा। टिड्डा बड़ी शर्मिंदगी से चींटियों के घर आसरा लेने पहुंचा। तभी चींटी ने उसकी लापरवाही की याद दिलाते हुए कहा, अपने वक्त को बेवजह बर्बाद करने वाले अपनी बुरी परिस्थितियों से नहीं बच सकते। और चींटी की इसी सीख के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।